मैं चंद्र जी भी धोया सो रे मतलब वो मेरी ड्रीम भाई कौन सी बात कर रहा है चंद्र जी चंद्र जी पढ़ लिया नेक्स्ट भाई अपने पास टॉपिक दे रखे हैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे भाई आइसोमेरिज्म है भाई ना लाया हाँ मुझे भी पता है ठीक है और ये मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आप बोलो और आपकी आवाज आए उसमें मेरी मेरी आती है भाई ठीक है आइसोमेरिज्म वैसे तो आप इस पे ध्यान दो ना आईसो का मतलब होता है सेम मर का मतलब यूनिट ठीक है आइसोमेरिज्म में क्या हुआ कि आपके पास से केमिकल फॉर्मूला हुआ एक उस केमिकल फॉर्मूला तो आपके पास एक ही रहेगा बट उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जैसे कि अपने पास है CH3CH2OH हर में इसमें केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो अपने पास क्या है C2 ठीक है H6O ये अपने पास फॉर्मूला हो गया इसमें एक तो हमने ये बना दिया और दूसरा हमने बनाया CH3OCH3 ध्यान से देखिए बेटा एक और एक दो कार्बन तीन और दो पांच और एक छह और एक ऑक्सीजन यही है yes, इसमें देखो एक ये रहा और एक ये रहा दो कार्बन तीन और तीन छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन केमिकल फॉर्मूला सेम बट ये दोनों की अलग अलग क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गई इस तरह की स्पीसीज जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो उसको क्या कहते हो आप आइसोमेरिज्म क्या कहते हो आइसोमेरिज्म कहते हो और जो फिनोमिना होता है ये एक दूसरे के आइसोमर्स और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा ठीक है वो आप यहां पर लिख सकते हो इट इज द फिनोमिना इन विच या फिर टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर आप ये कहो द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म डिफरेंट The process is called isomerism. ठीक है? And the unit are called isomers. दोबारा से सुन लो If the compound having same molecular formula but having different structure, these structures are called isomers and the phenomena is called isomerism. समझ गए सिंपल लैंग्वेज में यूज करना है क्या ये बात समझना है बेटा ध्यान देना थोड़ा सा इधर ध्यान दो कंडीशन क्या है कि अपने को एक चीज पता है अक्सर क्या होता है कि हम ना गलत बातों को बड़ा जल्दी पकड़ते हैं ऐसा ही है अच्छी अच्छी बातें तो हमारे भी याद होती नहीं कितनी बार हम ये बात बोले बेटा पढ़ लो पर नहीं पढ़ेंगे ऐसा ही है ना क्या होगा ऐसी बात है ना और क्या होगा देखिए अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में जिससे चला नहीं जाता उसको क्या बोल देते हैं एनालाइज हाँ और हिंदी में ओ निविया वेरी गुड देखो सुन हिंदी
मतलब जिसका पैर में दिक्कत उसको लंगड़ा बोल दिया, हाथ में दिक्कत उसको टूटा बोल दिया, है ना, ऐसा ही ना, जिसको दिखाई नहीं देते उसको अंधा बोल दिया। तो मीन्स गलत चीजों को बड़ा जल्दी से पकड़ते हैं। अब यहाँ पर भी वही सवाल पैदा होता है कि आइसोमेरिज्म ना उसी की तरह है भाई। अगर चैन में दिक्कत आ गई तो चैन आइसोमेरिज्म, समझ पाए बात। अगर उस स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप है उसमें दिक्कत बन गई तो वहां पर एक पोजीशन आइसोमेरिज्म बनता है और वहां पर एक फंक्शनल ग्रुप का ही बनता है, तो वो आइसोमेरिज्म आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने पास आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म के दो टाइप मेन होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन कौन सा? स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो, या फिर इसको स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा भाई? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक बेटा अपने पास आता है मेटामेरिज्म। कौन सा क्या? मेटामेरिज्म। एक आता अपने पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक आता है ट्यूटोमेरिज्म। समझ गया भाई? जबकि स्पेस और स्टीरियो के अंदर अपने पास एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। कौन सा? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में अपने पास सिस और ट्रांस कंडीशन आती है, जबकि ऑप्टिकल में अपने पास डी और एल बनता है, डेस्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी। ध्यान रहे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर हमारे पास हर वो पॉइंट ऑर्गेनिक का अधूरा रह जाता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक बताने के बाद वो एक ही बात करेगा कि इसके अंदर ये आइसोमेरिज्म है, एक छोटी सी लाइन में उसको फिनिश कर देंगे। बट जिसको इसके इंटरनल सारी चीजें पता होगी कि किसकी क्या कंडीशन है, कैसे बनता है उनके बारे में, तो वही बच्चा आगे सोल्व कर पाएगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का मतलब कॉपी पेन का यूज करना और हर रोज प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बेटा वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, तो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। देखो अब यहां से आइसोमेरिज्म में अगर उनके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो स्पेस का मतलब क्या है कि कंपाउंड तो ठीक है बट उसमें अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की, स्पेस का मतलब तो 3D में दिखाई देने की चीजें, जैसे कि यहीं पे मैं आपको, मैंने कई बार आपको जैसे मीथेन का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, उसमें बोल नहीं थे और ऐसे ऐसे पेन लगा के दिखाई दी, फिर से दिखा देंगे। तो वहां पर आप क्या करते थे, उसको अगर एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा देते हो, मीन्स पोजिशन को चेंज कर रहे हो, चीजें सारी वही है, तो उसको बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की, बहुत आसान सा है। मैंने क्या कहा, गलत बातों को बड़ा जल्दी से पकड़ते हैं, तो कौन सी बात अब की बार? अगर चेन में दिक्कत, चेन आइसोमेरिज्म, क्या चीज थी मैंने? चेन में दिक्कत, चेन आइसोमेरिज्म। यहां पर आइसोमर्स एक दूसरे से अलग होंगे ड्यू टू चेंज इन चेन, इसकी वजह से चेन में चेंजमेंट की वजह से क्या होगा भाई, आइसोमर्स बनेंगे। तो यहां पर क्या चीज गई? मदर चेन। कौन सी? मदर चेन। जैसे कि आपने मेन चेन वहां पर पढ़ी थी ना, एक जब आप नेमिंग कर रहे थे, सेम एज इट इज यहां पर रूट चेन या फिर मदर चेन उसका नाम कहेंगे आप, कि अगर मदर चेन में दिक्कत है तो क्या कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए? एक बार देख ले, मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, मैंने ए लिखा इसको,
क्या नाम दोगे इसका? क्या बन गई ये? बोलो बोलो। ब्यूटेन एन। क्या बन गई ये? ब्यूटेन। अब बेटा कितने कार्बन का है ये? सेम मेन चेन चार की है, तो मैंने बी लिखा बेटा यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया। कितने की होगी? तीन की होगी। यहाँ पर देखो मेन चेन कितने की थी? चार की। यहाँ पर कितने कार्बन की है? तीन की। तो अब ये ए और बी एक दूसरे के, ए और बी एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो फिनोमिना हो गया। ये एक दूसरे के क्या? चेन आइसोमर्स। क्या है? चेन आइसोमर्स है। क्या ये बात समझ में आई? तो किस चीज में चेंजमेंट आया बेटा? मदर चेन मींस मेन चेन के अंदर अगर चेंजमेंट आता है तो उसको क्या कह रहे हो आप? चेन आइसोमर। हो जाएगा, देखते हैं। और चलिए एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ बेटा। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। ए मान लिया मैंने इसको, बी में देखना 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और देखना 1 2 3 4 5 6 आप भी कंडीशन बनाते रहना, अपने आप ध्यान देना कहीं पे। और क्या कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? 1 2 3 कितने कैसे बना ले? अब देखना 3 हो गए। और बताओ कहां कहां लगा सकते हैं? 6 जोड़ देना, 3 के नीचे लगा दो तो उससे क्या होगा? 3 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, आपकी बात मैं रखता हूं ऊपर। 1 2 3 बेटा इस चेन को आप ओपन करके कैसे लिखोगे देखना जरा, ध्यान देना। 1 2 3 1 2 3 4 5 नीचे तो यही होगी ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 3 के नीचे है ऐसा मैंने ख्याल। ये समझ गए? तो ऐसे नहीं जोड़ने हैं, जो कंडीशन आपकी आ चुकी है वो आपको फर्दर नहीं लिखनी है। यही बात समझ गई? तो ये तो अपने पास होगा ही नहीं। और बताओ कोई कंडीशन बन सकती हो तो? ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। और भी है, देखो कोई कंडीशन बन रही हो तो। एक बार हमने इसको यहां पर रख दिया, एक बार यहां पर रखेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। यहां पर हो गया कि यहां पर हो गया, ये तो बात ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक को इसके नीचे एक को इसके नीचे रख दिया, ये बात ठीक है। एक बार ऊपर लेके मेरे ख्याल से तो यही बनेगी। एक और हो सकता है, चार नीचे चार ऊपर दो कार्बन नीचे इकट्ठे इकट्ठे हो सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 नीचे इथाइल हो जाएगा एक नीचे यहां पे। हां कहीं पर भी ऐसे। हां हो सकता है ऐसे। ऐसा तो हमने कर दिया ना। अब मेन चेन तो ये होगी बेटा। हाँ और ये तो थर्ड पे हो गया, मेन चेन ये थर्ड पे है। अच्छा नहीं बात समझ में। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने लिख दिया ए और बी क्या चेन आइसोमेरिज्म है? ए और बी? हाँ नहीं ऊपर वाली नहीं है, नीचे वाली। ए और बी है या नहीं है? मैंने कहा चेन इन मदर चेन। यहाँ पे मदर चेन कितने कार्बन की है? 6 की। यहाँ पर कितने की है? 3 है। तो ए और बी क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ए और सी क्या है? है। तो ए और सी भी है बेटा, ए के साथ तो सारे। ए और डी है, ठीक है। फिर ए और डी भी लिख लिए, ए और ई है, ये भी है, ठीक हो गया। अब आते हैं बी और सी है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि मेन चेन सेम है, 5 की है। नहीं आई बात समझ में? तो बी और सी नहीं है, समझे नहीं समझे? बी और डी है, बिल्कुल है। ये कितने की है? 5 की। और ये कितने की है? 4 की। तो बी और डी है हमारे पास। और आ जाओ कौन सी है? बी और ई भी है। बी और ई है बिल्कुल है। तो बी और ई ये भी है। अब आ जाते हैं सी और डी में। सी और डी है, ठीक है। फिर सी और डी है हमारे पास।
सी और ई है, ठीक है फिर सी और ई भी हमारे पास है, और नहीं है डी और ई है, नहीं है नहीं है क्योंकि मदर चेन तो सेम ही है, तो डी और ई नहीं है। क्या ये बात समझ में नहीं समझे? बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से ही आपकी वे चीजें तैयार हो रही है फिर ये जो अगर आपको एक बार माइंड में फिट होगी ना तो ये लगा के चलो कि ऑर्गेनिक आपकी रुकेगी नहीं कभी भी जिंदगी, बस ये चीज सी। मैं आपको इस चैप्टर के दौरान वो सारी बातें बताऊंगा, वो पढ़ने के बाद बेटा चाहे आप ना मास्टर डिग्री की बुक उठा के पढ़ लेना ये चैप्टर पढ़ने के बाद, बट उस चैप्टर के अंदर जितनी मैं बातें बताऊंगा वो आपको आनी चाहिए, और मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें बताएंगे सारी, ठीक है हो जाएगा, बताओ कोई डाउट होगा ठीक है कर लोगे या नहीं? दूसरे आगे चले उतार लिया नहीं उतारे, स्पीड होनी चाहिए भाई, जब भी उतारो बेटा फास्ट कीजिए थोड़ा सा जल्दी हो गया मिटा दे, कोशिश करना भाई सॉल्व करने की। नेक्स्ट बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म समझना एक बार, इन पोजीशन आइसोमेरिज्म टू आइसोमर्स आर डिफरेंट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप में की पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो आएगा अपने पास अलग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझे? इसमें मदर चेन सेम रहेगी, मदर चेन सेम रहेगी, नहीं आई बात समझ में? देखना जरा मैंने क्या कहा, चेंज इन, इसमें क्या मिलेगा आपको? चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है क्या कहलाएगा भाई? पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या रहेगी? मदर चेन सेम रहेगी, मदर चेन शुड बी सेम। क्या मेरी ये बात समझ में आई भाई? ठीक है देखना जरा, 1 2 3 ठीक है क्या बन गया ये? प्रोपेन, प्रोपेन बेटा यहां पे लगा दिया क्लोरीन, क्या बन गया भाई? प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन क्लोरीन, 1 क्लोरो प्रोपेन है ना, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बेटा पहली पोजीशन पे 1 2 3 जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप उसी तरफ से करते हो आप। अब देखना 1 2 3 यहां पे मैंने सीएल लगा दिया, क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। ध्यान से देखो बेटा, 3 कार्बन की चेन थी, यहां पे भी कितने की है? 3 की है, सेम मदर चेन बट चेंज इन द पोजीशन ऑफ
फंक्शनल ग्रुप है इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म, और जो एक दूसरे के स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स है। नहीं समझे? समझ गए? ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देख लो बेटा। यहां पे मैंने सीएल जोड़ दिया, ठीक है, और एक सीएल यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या नाम आएगा? 1, 2, डाइक्लोरो साइक्लोएक्सेन। मेरा ये बात समझ में? देख लो जरा बेटा, मैंने इसमें बस एक छोटा सा चेंजमेंट किया, यहां से क्लोरीन को उठा के यहां पे ले गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3 डाई, और एक और मैंने कंडीशन चेंज की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका क्या नाम है? 1, 3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और इसका क्या है? 1, 4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देखो मदर चेन 6 ही कार्बन की है, सेम है पर पोजीशन चेंज है, बट फंक्शनल ग्रुप पहले पे क्या, 1 और 2 पे, 1 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 1 एंड 4, ये एक दूसरे के क्या भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक दूसरे के पोजीशन बनते। नहीं समझे? समझ गए। किसी को डाउट हो तो बताओ। कितना टाइम रहेगा? 6 मिनट। बताना मेरे को, बुक में एग्जांपल दे रखा है बेटा, CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH और CH3, ये कौन से आइसोमेरिज्म, कौन से आइसोमर से एक दूसरे के, ये पोजीशन, पोजीशन ही है। समझे नहीं समझे? तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है आपका, क्या बन गया ये, मीट इन प्रोपेनोल, क्योंकि OH आ गया, और ये भी हमारे पास प्रोपेनोल है बट पोजीशन चेंज होगी, इसको क्या कहोगे, 1 प्रोपेनोल, और ये क्या है, 2 प्रोपेनोल। समझे नहीं समझे? एक दूसरे के उनसे ये पोजीशन आइसोमेर, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, कर लो यानी। नेक्स्ट अपने पास मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म अपने पास नेक्स्ट है। लिखो इसमें, इन द मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मिडल, किसमें होगा, हमेशा ही मिडल में, बीच में होगा, ठीक है। टू आइसोमर्स आर डिफर ड्यू टू चेंज इन एल्काइल ग्रुप में चेंजमेंट की वजह से ऐसा होगा।
देखिए बेटा एक बात, कंडीशन है CH3 CH2 O CH2 CH3 फंक्शनल ग्रुप का है बीच में, ये एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ने क्या किया CH3 CH2 CH2 O CH3 एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी, समझे हैं समझे, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए मेटामर्स, मेटामर्स हो गए, ये क्या हो गए एक दूसरे के मेटामर्स, और फिनोमिना को क्या कहोगे मेटामेरिज्म। ठीक है एक दो एग्जांपल और ले ले, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3 एक तो मिडल में हो गया, कीटोन ग्रुप अब की बार चेंज कर दो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 ये भी एक दूसरे क्या है मेटामर्स है। हो जाएगा भाई सही, पोजीशन भी तो हो सकते हैं क्या, नहीं पोजीशन कैसे हो सकती है, वो की तो बदली है, पोजीशन में कार्बन की चेन में कोई भी क्या नहीं था, चेंज नहीं था ना, हाँ तो इसमें चेंज यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको तो शिफ्ट कर रही हो आप, हाँ वहाँ पर तो सेम ही थी, समझ में आई बात, उसमें भी तो चेंज किया था 1 और 3 किया था, बेटा उसमें इसमें डिफरेंस हो गया ना, उसमें तो क्या था आपने 1 2 3 यहाँ पर आपने कोई OH ग्रुप था, ये तीन कार्बन चेंज कर दिए थे आपको कहीं इलाइडोलाइन है, इसमें तो आप इलाइडोला रहे हो उस कार्बन को उधर उधर कर रहे हो, हाँ समझ रहे बात, वो उसमें खाली फंक्शन ग्रुप का इधर उधर कर रहे थे, मैं समझे हो जाएगा। लास्ट बेटा आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप हाँ इसमें एक दूसरे आइसोमेरिज्म जो है ना बेटा वो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, क्या होगा चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये कीटोन है बेटा, ये क्या है कीटोन, कीटोन ये, जबकि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H बात तो वही देखना C3 1 2 3 1 2 3 यस सर, हाइड्रोजन 3 and 3 6 3 and 2 5 and 1 6 एंड ऑक्सीजन इज आल्सो 1, ये तो बात तो सारी ठीक है, बट यहां पर क्या था कीटोन, ये क्या बन गया एल्डिहाइड CHO ग्रुप आ गया, तो चेंज इन ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये आपने बताया थे कीटोन और ये ऐसे कीटोन होता है, कल ही बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं घिन पढ़ के आना चाहिए, और मैं क्यों हर बार एक बात बोलता हूँ कि हर रोज पढ़ोगे तो आगे आएगा, वो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से बेटा हमने एक और देखा था आपने एस्टर से अल्कोहल बनाया था, पहला ही एग्जांपल ध्यान रखो आर ओ आर ग्रुप था, देखो ध्यान दिया हो तो CH3